चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बात पर सभी की नजरें हैं कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए पड़ोसी देश की यात्रा करेगी या नहीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत में हो रही आतंकी गतिविधियां उनमें से एक हैं, जिनमें बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। भारतीय टीम के अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना बेहद कम जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक BCCI ICC के मुकाबले दुबई या श्रीलंका में कराए जाने के लिए कह सकता है। मालूम हो कि इससे पहले पिछले साल एशिया कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था, जिसमें भारत के सभी मैच श्रीलंका में कराए गए थे। बहरहाल PCB ने इस टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जबकि ICC ने इसके लिए विंडो तलाशना भी शुरू कर दिया है। PCB ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में अपने स्टेडियमों की मरम्मत के लिए लगभग 17 अरब रुपए आवंटित किए हैं। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोर्ड के सदस्यों को बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी और इस महीने के अंत में कोलंबो में होने वाली ICC की वार्षिक बोर्ड बैठक में इस पर आगे चर्चा की जाएगी। ICC चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में होने वाला है, जो कि 50 ओवर का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के सभी मैचों की मेजबानी लाहौर में करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने की संभावना कम जताई जा रही है। इस संबंध में सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि यह बेहद असंभव है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाए। आखिरकार निर्णय भारत सरकार पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने 15 मैचों का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें ICC को ये शेड्यूल भेजा है। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। हाल ही में ICC के इवेंट प्रमुख क्रिस टेटली ने PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, जब सुरक्षा टीम ने आयोजन स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। यही नहीं, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट चेंज नहीं करने दिया था। पाकिस्तान की टीम 7 विकेट पर 113 रन बना सकी थी। आपको ये भी बता दें कि साल 1996 के बाद पहली बार होगा कि पाकिस्तान में किसी बड़े ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि उसने 2008 में पूरे एशिया कप की मेजबानी की थी और पिछले साल भी इसी टूर्नामेंट के कुछ मैच अपने सरजमी पे कराए थे। BCCI को अभी भी आधिकारिक रूप से पुष्टि करनी है कि वो राष्ट्रीय टीम को ICC टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भेजेगा या नहीं। बोर्ड के इस फैसले पर सभी की निगाहें फिलहाल तो टिकी हुई हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex.amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।